ये ठीक लगाए नहीं बकरे में। गुड मॉर्निंग, आज तारीख़ है आपका 26 अगस्त 2023, सुबह के 4 बज रहे हैं। हम लोग हैं सियाना चट्टी में। ये मेरे दोस्त का होटल है, होटल हिमालय है सियाना चट्टी में। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं यमुनोत्री के लिए। यह है गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम का पैदल रास्ता। छः बजे बज रहे हैं लाला जी, 6 बजे चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग।
है? इतना तो नहीं पर ठीक ठाक। क्यों नहीं यार, ठीक ठाक यार, तुम्हें लाल बत्ती देखूं है? साला चप्पल ने कर दिया परेशान। ये है जी यमुना माता का उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम। स्वच्छ सुंदर यमुना नदी, क्या बोला लाला जी? अब जी यमुनोत्री धाम हमारा रह रखा है लगभग 1700 मीटर। अच्छा कोई ट्रैकर है तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये है जी यमुनोत्री धाम का खड़ा रास्ता, इजी है वैसे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मात्र 1 किलोमीटर। अब तेरी ये माया समझ ना पाया। अनलिमिटेड पानी उत्तराखंड में, दुनिया भर के सुंदर झरने, ये है जी आपका वैकल्पिक पुराना रास्ता। चलो
ये हमारे लाला जी पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम। यह है आपका यमुनोत्री धाम का गर्म कुंड सूर्य कुंड। ये है यमुनोत्री धाम टेंपल। ये है यमुनोत्री के दार्शनिक स्थल। अब लाला जी और मैं सीधे वापसी चलते हैं। 6 बजे हम लोग चले थे आपका जानकी चट्टी से, फिर 8 बजे यहाँ पहुँचे और अब हम एग्जैक्ट आपका 8 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो 8:13 में 13 मिनट हमने दर्शन में लगाए और अब हम सीधे वापसी जा रहे हैं सियाना चट्टी की, और सीधे आज ही देहरादून निकलेंगे। देहरादून से मेरा घर है ऋषिकेश में, ऋषिकेश निकलूँगा। टोटल जो आज वो हुआ ड्राइव करनी पड़ेगी मुझे 242 किलोमीटर की है, जिसमें से करीब 16-32 किलोमीटर मैं अभी कट चुका हूँ। हमने कहाँ जाना है, सियाना चट्टी? हाँ उतना तो लग जाएगा यार, कौन चला है उसमें बीच में वो भी रखा है। अब लाला जी और मैं जा रहे हैं नीचे की तरफ सियाना चट्टी में गोपाल भाई के होटल हिमालय होटल। बीच का पड़ा हुआ लाल जी वैकल्पिक मार्ग। लाला जी जगह जगह पानी है, अरे इनसे बच के। पूरी रात भर बारिश थी, हम लकी हैं दिन में मौसम खुल गया, वो राजान की चट्टी दिखने लग गया।
यह आपका खड़साली शीतकालीन मंदिर, यही तो हुआ इधर से। लाला जी भाग रहे हैं। ये हिरण्य बाहु नदी है, इसका क्या उद्गम स्थल क्या है इसका? इसका ऐसा जो हिरण्य कश्यप राक्षस पाप कर रहा था, लाल भगत को सता रहा था, तो भगवान ने नरसिंह रूप रखा। हाँ जी हाँ जी, नरसिंह तब उसका पेट फाड़ा तो भगवान की मूर्ति इस नदी का प्रकट होता, अभी इसको हिरण्य बाहु नदी कहती है, उधर यमुना जी कहती है। अच्छा, हिरण्य बाहु यमुना जी में मिलती है हिरण्य बाहु। अच्छा, देखिए ये 5000 वर्ष पुराना पेड़ है, 5000 वर्ष पुराना पेड़ है, उसको कोई बुरी नजर नहीं लगती, कोई खराब नजर नहीं। आपने अपने सर के ऊपर घूमा ना? अच्छा सर, अपने सर को यहाँ चला रहे। किस चीज़ का वो है ये? है पंडित जी, किस चीज का वृक्ष है? बेखिल का है भाई, बेखिल का। बेखिल होता है एक ना। अच्छा अच्छा, इससे कोई बुरी नजर नहीं लगती। अच्छा, 5000 वर्ष पुराना है, पुराना है वृक्ष भी और मंदिर भी। मंदिर भी अंदर दो गड़े हैं। अच्छा अच्छा, अमावस्या पूर्णिमा को बदलते हैं आपस में कार्तिक के महीने। अच्छा अच्छा, अमावस्या पूर्णिमा एक दिन खुलता है बैसाखी को, अभी आज खुला नहीं है। आज नहीं खुलेगा, एक दिन अमावस्या पूर्णिमा पूर्णिमा तब उधर उस समय हवन होता है। ये 5000 वर्ष पुराना पांडवों का मंदिर है, यमुना माता को समर्पित। ये 5000 वर्ष पुराना है पांडवों के समय का, उसके बाद वो नया मंदिर बनाया गया यमुना माता को समर्पित। आज हमें ड्राइव करनी है 240 किलोमीटर, बाइक सस्ती वाली है ग्लैमर। ये तो रहा यार, वाह यार, भगवान की कृपा देखो हम पे।